हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर चैटरबॉक्स जू ही एंड यू गाइस आर वाचिंग हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि जमाना वही द यंगस्टर्स का। वेल, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लड़कियां मुझे भयंकर कोसेंगी, बोलेंगी व्हाट इज दिस जूही, इट्स आर ड्रीम एंड यू आर लिविंग इन, एंड दिस इज लाइक करण कुंद्रा इज विथ मी। सो करण, आई थिंक इतनी फैन फॉलोइंग मैंने लास्ट डिकेड में किसी की ऐसी नहीं देखी जितनी करण कुंद्रा की फीमेल फैन फॉलोइंग है। व्हाई, व्हाट्स द एक्स फैक्टर इन करण? करण को क्यों लगता है कि इतनी लड़कियां पागल हो जाती है करण को देखते से? आई डोंट नो, यू टेल मी। इट इज मे बी जस्ट द चार्मिंग पर्सनालिटी यू हैव। आईव नेवर बीन फेक इन माय लाइफ, आई एम जस्ट द वे आई एम, एंड इफ दैट इज वर्किंग फॉर मी देन। करण जब एक्टर बने उसके बाद से ये है कि इन स्कूल और कॉलेज टाइम से यू हैव सच काइंड ऑफ टच? मैं बहुत मोटा था, फिर हाई स्कूल में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मार मार के पतला किया, एंड देन आई थिंक या द अटेंशन स्टार्टेड कमिंग इन, एंड सो या इट्स बीन देयर फॉर अ व्हाइल। वेल, आपने हर कुछ ट्राई किया, यू हैव ट्राइड एवरी जॉनर, यू हैव डन टेलीविजन, यू हैव डन रियलिटी शोज, देन यू हैव डन मूवीज ऑल्सो, प्योर पंजाबी, मेरे यार कमीने, हॉरर स्टोरी, सो इट्स लाइक यू हैव टेस्टेड एवरी जॉनर। कौन सा जॉनर सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है करण को? यार आई थिंक मेरा कॉम्पिटिशन हमेशा मेरे साथ ही होता है, तो जब मैं कुछ नया करता हूँ चैलेंजिंग, जैसे मुझे जब रोडीज ऑफर हुआ था, मुझे कहा गया था कि आप बहुत पॉपुलर हैं, आप हम एमटीवी रोडीज आपके साथ करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा यार रघु, राजीव, रणविजय, मैं क्या करूँगा यार, तो मेरी बैंड बजा देंगे। बट दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स मी, यू नो, द चैलेंज दैट ड्राइव्स मी, एंड आई थिंक द रेटिंग्स सेड इट ऑल। आई वेंट देयर, आई डिड माई थिंग एंड आई केम बैक। सो माई ओनली फेयर इन लाइफ इज वेन आई फिनिश समथिंग, जब मेरा कोई काम खत्म होता है तो मुझे उससे चैलेंजिंग कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिशन मेरे साथ है, खुद के साथ। करेक्ट, सो दैट इज वन थिंग दैट आई एम ऑलवेज अफ्रेड ऑफ, कि यार अब ये कर रहा हूँ तो इससे बड़ा कुछ करना पड़ेगा। बट ऐसा कोई फील, ऐसा कोई जॉनर जो आपको बहुत पसंद है, दैट यू एंजॉय डूइंग दैट, मीन्स आप रियलिटी शोज में आपको सबसे ज़्यादा मजा आया, या फिर जब आप रोडी? वेरी वेरी फॉर्चुनेट, एक तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, तो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि पहले डेली सोप्स किए, फिर मैंने एक घुमरा जैसा शो होस्ट किया, फिर मुझे पंजाबी फिल्म मिली, फिर मुझे हिंदी फिल्म मिल गई, फिर मुझे एक द सीरियल टाइप का सीरियल मिला जिसमें आई एम प्लेइंग माई सेल्फ, रियलिटी शो। उसके बाद मुझे फिर आई स्टार्टेड डूइंग फना, देन आई स्टार्टेड डूइंग रोडीज, एंड देन आई एम बैक ऑन फिक्शन, देन अगेन आई एम डूइंग रोडीज, देन आई डिड अ ट्रैवल शो। सो वट एवर, गॉड्स बीन वेरी काइंड है, जो कुछ मुझे चाहिए होता है मुझे मिल जाता है, तो मैं बोर नहीं होता हूँ, दैट्स द बेस्ट पार्ट। Well, you're a reason, because of a reason you are in Indore. Yes. ये कहाँ आ गए हम? What is the story all about? It's a beautiful show. It's a simple love story. It's Ekta's foray into Antv together. Antv का एक बहुत ही अच्छा एक सांचा बन चुका है अच्छे shows का, एंड एकता मैम आ रही हैं इस पर, एंड मैं 5 साल के बाद फिक्शन में वापस आया हूँ एकता मैम के साथ। 5 years ago आई वर्क पे था, एंड मैंने उन्हें बोला था कि मैं कुछ अलग ही करूँगा जब भी करूँगा, तो दिस टाइम शी न्यू दैट मैं आऊँगा। सो आई वॉज लिविंग फॉर हॉन्गकॉन्ग इन द नाइट, एंड शी कॉल्ड मी एट 3:30 इन द आफ्टरनून, शी सेड आई हैव द राइट शो फॉर यू, एंड आई वाज लाइक ओके, वेल व्हाई नॉट। वेल, द कैरेक्टर इज क्वाइट एरोगेंट, जो कैरेक्टर आपका है वो थोड़ा सा, बिकॉज उसके फादर के पास, खुद के पास एक बहुत बड़ा एम्पायर है। ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है, ही इज अ रॉक स्टार, ही लुक्स लाइक अ रॉक स्टार, पोनीटेल है, ये ऐसी लुक है, लड़कियाँ मरती हैं इसके ऊपर, उसे बहुत अच्छा सक्सेस मिल गया है यंग एज में। इज वेरी क्लोज टू माई सेल्फ, बिकॉज आप मुझे एक स्टेज पे खड़े कर दो, आपको इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं दिखेगी किसी के अंदर। आप मुझे एक्टिंग करने को बोलो, कैमरा के आगे खड़ी कर दो, मैं कर दूँगा। आप मुझे एंकर करने के लिए बोलिए कोई शो, मैं कर दूँगा। आप मुझे बोलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग से छलांग मारनी, मैं मार दूँगा। या एवर रेडी, अभी मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग एक जंप करके आया हूँ मकाउ टावर से, द वर्ल्ड हाइएस्ट बंजी जंप। लेकिन आप मुझे बोलो कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी है उससे जाके बात करो, मैं नहीं कर सकता। सो दिस कैरेक्टर, या आई एम वेरी शाय इन लाइफ, वेरी वेरी शाय इन लाइफ, दैट्स आयरोनिकल, यू नो, वेल भगवान, द पर्सन सराउंडेड बाय सच अ काइंड ऑफ फीमेल फैंस, मुझसे बात नहीं होती है किसी लड़की से जाके, आज तक मैंने किसी लड़की से बात नहीं की, मेरी इतनी फटती है। तो वो कहते हैं ना कि हर किसी को क्या मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। सो दिस कैरेक्टर इज वेरी स्वीट है, ही इज अ रॉक स्टार, ही इज गुड गाय, और रात को टाइम पे घर आ जाता है, अपनी मॉम के साथ डिनर करता है, वेरी फैमिली ओरिएंटेड, एंड म्यूजिक इज हिज लाइफ, ही इज अ गुड गाय। सो म्यूजिक से रेलेवेंस कितनी अब बना रहे हो, या पहले से बना चुके हो? या ऑलवेज बीन माय लाइफ सिंस आई वाज बोर्न,
I've had this affinity towards music. I can't take a shower without music. I can't sleep without music. I can't drive without music. I can't this get my makeup done. This is very close to your character, what you are. Yeah, I'm very close. That's why I think Ekta got me on this show. You know, she's like, beta, bas, aa jao. ऐसे क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जो हम लोग अभी वी आर सीइंग इन द टेलीविजन इंडस्ट्री इज मे बी द रेपिटेटिव सीरियल्स. आई हैव नेवर डन एनीथिंग इन माय लाइफ व्हिच इज रेपिटेटिव. इनफैक्ट गुमराह जब हमने किया था तो हमने एक ट्रेंड सेट किया था, उसके बाद लोगों ने फॉलो किया था. गुमराह के बाद बहुत सारे शोज वैसे के बनने शुरू हो गए थे, लोगों ने लाइटिंग करनी छोड़ दी थी, कैमराज हैंडल करने शुरू कर दिए थे, नए बच्चों को कास्ट करना शुरू कर दिया था. विद फना वी डिड समथिंग विच वॉज मैजिकल. इवन विद द न्यू फॉर्मेट ऑफ रोडीज वी डन समथिंग डिफरेंट. विद द काइंड ऑफ शोज दैट आई डू इट्स ऑलवेज डिफरेंट, इट्स नेवर रन ऑफ द मिल. बहुत सारी मेहनत जाती है जो कि यूजली टीवी पे लोग नहीं करते हैं. मैंने टीवी पे कुछ शोज देखे जिसमें रॉक स्टार्स हैं, वो दिखते भी नहीं है रॉक स्टार्स. आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, बट इफ यू सी अ लॉट हैज वर्क गॉन इनटू द इवन जस्ट माय लुक और हाउ आई टॉक, व्हाट आई डू, व्हाट आई ईट. सो ऑल ऑफ दैट हैपेंस, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ नाइस सिंपल लव स्टोरी एंड दैट्स व्हाट आई एम गुड एट. सो I hope so. Well, this is Hathaway BTV. You are youngsters, do follow you. They are crazy for you. And jab main yahan pe aa rahi thi to mere paas itne calls the because no one was bothered about me. Everybody was they were not even saying hello. They were saying Karan se milne ja rahi hai. Karan se please hi bolna hamara. They're like that. So thoda sa exaggerate kar diya, but theek hai. Thank you. It is true. Isliye main aapse ye puchna chahti hu ki what message you want to give to the youngsters who are actually following you at all the things. I would like to tell them one thing that you know, I'm very happy with this generation of people. जब मैंने करियर शुरू किया था तब जो 16 साल के थे वो आज 21 साल के हो चुके हैं, एंड आज की डेट में जो 16 ईयर्स हैं वो बहुत एम्पावर्ड हैं, वो सेल्फ कॉन्शियस हैं और वो सेल्फ डिसीजंस लेने में बहुत वो हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, एंड आई एम वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम हियर ट्राइंग टू इंस्पायर यू गाइज. So thank you so much for your love and keep it going. Well, can you मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्योर पंजाबी में अगर इंदौरीज को कुछ मैसेज अपनी अपकमिंग सीरियल के लिए दे सके. मेरे प्यारे दर्शकों, मैं थोड़ा अपना करण कुंद्रा, ये कहाँ गए हम, 26 अक्टूबर तो राति 9:30 बजे आ रहे हैं. एक बहुत ही प्यारी जी लव स्टोरी है, प्लीज़ वॉच इट फॉर मी.